गुड आफ्टरनून मैम। जैसा कि आज रिपब्लिक डे है, आप सभी को पता है। यस मैम। गणतंत्र दिवस। यस मैम। कौन सा गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं? 74। अब जो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो आप ध्यान से सुनेंगे और एंड पे जो है हम एक क्विज करेंगे और क्विज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको कि मैंने आपको स्पीच में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है मैम, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिपब्लिक डे हम कब से मनाना शुरू किया और 26 तारीख को ही क्यों मनाते हैं, तो ये मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। जैसा कि आपको पता है हमारा देश जो है पहले ब्रिटिश सरकार के अधीन आता था। उसके बाद फिर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने योगदान दिया, उन्होंने फाइट की और फिर हमें अपनी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। कभी भी स्वतंत्रता मिलती नहीं है, वो हमें हमने प्राप्त की थी अपने कार्यों से, मेहनत से। ठीक है, तो कोई भी ये बोलेगा कि हमें स्वतंत्रता मिली है, हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है। और ये हमें कब प्राप्त हुई थी? 15 अगस्त 1947। आगे बढ़ते हुए स्टोरी में फिर क्या हुआ, जैसे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जैसे किसी गेम को खेलने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ऐसे ही किसी देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो फिर हमारा संविधान का गठन करना जो है शुरू किया गया और ये गठन जो है पूरा 2 साल 11 महीने 18 दिन में जाके पूरा हुआ। और ये इसका कंप्लीशन कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। इस दिन जो है हमारा संविधान का गठन जो है पूरा हो चुका था, बन के तैयार हो चुका था। एंड आप सभी को जान के हैरानी होगी, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया का संविधान है वो सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इतना बड़ा संविधान किसी भी कंट्री का नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को जो बनाया गया था इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। अच्छा, इसी दिन क्यों इम्प्लीमेंट किया गया? एनीबडी नो? चलो मैं बताती हूँ आपको। 1930 में आ जाओ आप, स्टोरी पीछे जाती है। 1930 में 26 जनवरी के दिन ही जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे चाचा जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो है रिजोल्यूशन पास किया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनी। हमें पूरा जो है संपूर्ण हम अपनी इंडिपेंडेंसी चाहते हैं। तो इसी वजह से जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उस टाइम पे जो भी बनाने वाले थे उन्होंने सोचा कि जो हमारी ऑस्पिशियस डेट है 26 जनवरी 1930 वाली, उसी दिन जो है हम अपना संविधान को लागू करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है लागू कर दिया गया और हमारा देश स्वतंत्र होने के साथ साथ गणतंत्र भी बन गया। अब गणतंत्र का अर्थ क्या समझ में आता है कि अब से हमारे राज्य भारत में कभी भी आगे मतलब कोई भी शासन नहीं चलेगा, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। पूरे इंडिया में इलेक्शन कराए जाएंगे, इलेक्शन होंगे, सबके पास मतदान करने का अधिकार रहेगा, राइट टू वोट रहने वाला। राइट टू वोट जब सबके पास होगा तो वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, जिसको ज्यादा वोट मिलेगी वो मेजोरिटी में आ जाएगा। तो प्रेसिडेंट जो है हमारे भारत का वो हमेशा चुन के आएगा, इसी वजह से हम अपने देश को गणतंत्र देश। सबको क्लियर हो गया? यस मैम। चलो अब आगे परफॉर्मेंस में कौन आएगा? रिम्पी जो है आप सबके सामने परफॉर्म करेगी एक देशभक्ति गीत। क्लैप फॉर हर। मेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ मैं।
प्यारा प्यारा मेरा देश, सदा सवारा मेरा देश, दुनिया जिस पर गर्व है मैं सितारा मेरा देश, चांदी सोना मेरा देश, सफर सरोना मेरा देश, सूरज जैसा आलोकित सुख का कोना मेरा देश, फूलों वाला मेरा देश, फूलों वाला मेरा देश, गंगा यमुना की माला का फूलों वाला मेरा देश, आगे जाए मेरा देश, मुस्काए मेरा देश, इतिहासों में बढ़े करना लिखाए मेरा देश। करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी उससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारी कंट्री जो है कब इंडिपेंडेंट हुई थी, किसी का आंसर करेगी 15 अगस्त 1947। ओके किसी नाम बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा जो संविधान है कब बन के तैयार हुआ था, रिंकी बताएगी। 26 नवंबर 1949। इसी करें यस मैम। ओके सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा संविधान जो है तैयार होने के बाद इंप्लीमेंट किस दिन किया गया था, खुशी बताओ बेटा। 26 जनवरी 1950। इसी करें यस मैम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि जो हमारा गणतंत्र है, हमारा राज्य स्वतंत्र होने के साथ साथ गणतंत्र भी बना था। यस मैम। इस गणतंत्र वर्ड का मीनिंग क्या होता है, गणतंत्र वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एनीबॉडी नोज? ज्यादा बताएगी बेटा। गणतंत्र का मतलब होता है कि हमें पूरी तरह आजादी चाहिए कि हम कभी भी कोई और हम पर वो ना कर सके, मतलब कोई हम पर राज ना कर सके, हम हमेशा खुद के हिसाब से चले, खुद के हिसाब से चले, और हमारी जो भारत की जनता है जो वो प्रतिनिधि चुने वो अपनी मर्जी से चुने। हाँ अपनी मर्जी से चुने, जिसको ज्यादा वोट मिलेगी वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है इलेक्टेड प्रेसिडेंट आते हैं, पहले जो है पीढ़ी बाय पीढ़ी जो है बदलाने से अभी नहीं बन गए। ठीक है नेक्स्ट सेट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम 26 जनवरी के दिन ही क्यों ये अपना गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं, 26 नवंबर को पूरा हो गया था ना बन के तैयार, तो 26 नवंबर को तैयार हो गया था, उसके बावजूद भी हमने एक महीना दो महीना वेट किया, जनवरी तक हम गए और फिर हमने 26 जनवरी 1950 को ही अपना गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किया, क्यों किया? नूपुर बताओ बेटा। मैम क्योंकि उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शपथ ली थी कि हमें पूरी आजादी चाहिए अंग्रेजों से, पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास किया गया था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन है, कौन थे? रिपब्लिक डे एक नेशनल फेस्टिवल है और हमारे टोटल इन पर्व का जो है उनसे कोई भी रिलेशन नहीं होता है, एवरी
राइट।